हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने घर से निकल चुका हूं, गांव से। देख सकते हैं बैग मैंने टांग लिया है और पीछे मेरा गाँव है। और मैं अभी पैदल कुछ दूर जाऊँगा, जो आगे थाली है वहाँ पर रोड पर बस आएगी दोस्तों, तो मैं वहाँ पर गाड़ी पकड़ता हूँ। ये देखिए, तो अभी इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ आगे। थाली करके एक जगह है, वहाँ पे मैं जाऊँगा, वहाँ से बस मिलेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर मैं वहाँ अभी ऐसे ही पैदल ही जा रहा हूँ। तो इधर दोस्तों, जो इधर वाटरफॉल है, जो ककोलत वाटरफॉल है, इस तरफ जो अपने गांव से पीछे जो वाटरफॉल है, ककोलत वाटरफॉल, तो वहाँ पे दोस्तों, अगर वो अभी जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना चल रहा होता, अगर वो ओपन होता, तो दोस्तों वहाँ पे सब टूरिस्ट जो है वो नहाने वहाने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं हर समय। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं तो गाड़ी मिल जाती है आसानी से, बट वो अभी बंद है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इस तरफ जो गाड़ी आती थी वो गाड़ी आ नहीं रही है। तो अभी क्या करना पड़ रहा है कि इसी वजह से पैदल चलना पड़ रहा है दोस्तों, नहीं तो पैदल नहीं चलना पड़ता है। आराम से आप यहाँ ऑटो में बैठ के 10 रुपया आप दे के जा सकते हैं। काफ़ी सारी गाड़ी हॉल के हिसाब से। मैं दोस्तों 3-4 दिनों से हूँ यहाँ पे दोस्तों। गांव आने के बाद एक चीज़ का अफसोस रह गया दोस्तों कि वो वाटरफॉल बंद है, तो मैं वाटरफॉल जा नहीं पाया दोस्तों। मैं गांव आया हूँ 3-4 दिनों से, और मैं गांव आने के बाद आज पहली बार, मैं अक्सर आता था तो वो वाटरफॉल खुला रहता था, बट वो झरना इस बार बंद है। तो अफसोस लग रहा है दोस्तों, मैं वहाँ पे नहाने नहीं गया, और झरना में नहाने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, अपना गांव तो मैं फिर आऊँगा ही, और आएंगे फिर तो मज़ा लेंगे कभी जाके, काफ़ी मज़ेदार होता है दोस्तों, तो आपको भी दिखाऊंगा। गांव में इस बारी दोस्तों, और जो रामनवमी की पूजा थी, उतना गर्मी नहीं था दोस्तों, नहीं तो काफ़ी गर्मी पड़ जाता है अप्रैल के टाइम में। और दोस्तों, मैं चलता ही जा रहा हूँ, और ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरे में जो खेती लगा हुआ है दोस्तों, ये पूरा देखिए, इधर उधर जिस तरफ भी देखिए, आप नज़र दौड़ाइएगा उस तरफ खेती लगा हुआ है दोस्तों। पूरे में अभी गेहूँ लगा हुआ है, और वो गेहूँ की खेती हो रही है। तो अभी गेहूं कटा नहीं है, कट रहा है गेहूं धीरे धीरे, तो आने वाले 10-15 दिनों में दोस्तों ये गेहूं पूरा कट जाएगा। सभी लोग जो गांव में रहते हैं, दोस्तों, वो धीरे धीरे अब इसे कटवा रहे हैं। गेहूं की फसल तैयार हो गई है, मेरे यहाँ भी लगा है गेहूं दोस्तों, बस मेरे यहाँ अभी गेहूं लगा है दोस्तों, हो गया है, वो कट रहा है। कल तो अपने खेत में हुआ, जो अरहर की दाल होती है, वो अरहर को कटवा के पापा ने मंगवाया था, तो वो घर पे रखा हुआ है दोस्तों। वो 10 बंडल पूरा बांध के घर पे आया था दोस्तों, तो उसे फिर अब छुड़वाया जाएगा। इसमें काफ़ी मेहनत है दोस्तों, छुड़वा के फिर दाल निकलवा के फिर दाल बनेगा उसको, अरहर की दाल बनेगी। मैं काफ़ी दूर पैदल आ चुका हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप है, यहाँ से ही हम लोगों को तेल मिलता है। गांव से 1 किलोमीटर जो थाली बाज़ार है, इसमें इंडियन ऑयल का पंप है। देखिए दोस्तों, ये रास्ता जो है ये चला जाएगा गोविंदपुर थाना, उधर से बासोडी, और देखिए ककोलत जलप्रपात का बोर्ड लगा हुआ है, अपने गांव का है रास्ता।
जो है ये जाएगा आपको फतेहपुर, ये वहाँ NH 33 से कनेक्ट करेगा ये रास्ता। उसके बाद वहाँ रांची से बस बैठ के हम लोग चले जाएंगे दोस्तों। देख लीजिए ये थाली बाजार है हम लोगों का। दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा थक गया चलते चलते। अब यहाँ इंतज़ार करूँगा बैठ के, बस आएगा तो बस से चले जाएंगे दोस्तों। ऑटो से भी जा सकते हैं, ऑटो में बहुत धूल उड़ता है दोस्तों, ऑटो में धूल उड़ने का। ये अपने गांव का रोड है दोस्तों, ये बन रहा है और काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, और बन जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। देख सकते हैं बस बैठ करके बस का इंतज़ार हो रहा है, बस आएगी तो मैं जाऊंगा। ऑटो मिलता है हर समय, मतलब ऑटो ज़्यादा चलता है, बस थोड़ा कम आती है क्योंकि कनेक्टिंग रोड है दोस्तों। तो ऑटो से जा सकता हूँ, लेकिन ऑटो से काफ़ी धूल उड़ रहा है और थोड़ा दूर भी है, इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ। बस आती है वैसे, बस आएगी तो उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। जो 7 मिनट से